हेलो एवरीबॉडी। तो आज थी छुट्टी, तो हमने प्लान किया कि लंच हम बाहर जाके करते हैं। तो हमने प्लान किया H2O जाने का। यहाँ से जो है मेरे घर से H2O 10 किलोमीटर की दूरी पे है, पास ही है, बट फिर भी मुझे एवोमिन खा के जानी ही पड़ती है। लेकिन बीच में जो रोड है एक बहुत ख़राब है, क्योंकि वहाँ कंस्ट्रक्शन चल रही है। बहुत ही छोटे रोड में बहुत मुश्किल हो जाता है गाड़ी निकालना, और ये सबसे डेंजरस रोड मेरे को लगता है रास्ते का। फ़िलहाल हम वहाँ से निकल गए, मंदिर में मत्था टेका और हम पहुँचे H2O। और H2O पहुँचने के बाद हम क्या देखते हैं वहाँ पे? क्या प्रीबुक योर स्पेस, वी आर बुक्ड, वी आर व्हाट? तो ये सब अटैक मिलने के बाद फिर भी हमने एंट्री करके देखा कि क्या पता, देखते हैं कुछ तो सीन होगा। पर ये H2O एक तरह का रिजॉर्ट है, बहुत ही खूबसूरत है अंदर से, बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें हैं देखने को, लेकिन मैं दिखा नहीं पाई आपको आज, लेकिन अगली बार ज़रूर दिखाऊंगी जब भी मेरा प्लान बनेगा। तो एंट्री देखने से कुछ नहीं होता है, बानिका हो गया है मूड ख़राब, उसने पा दिया एरवास, लेकिन हमारी जो है वो नहीं चली। मैंने मैनेजर से बात भी करी है, पर उसने कहा है कि मैम बुकिंग हुई हुई है, अगर आपने नहीं भी करवाया होता फिर भी मैं आपको जान देता, लेकिन जो अंदर है ये जो फुल है अभी। तो हमने डिसाइड किया कि हम चलते हैं वैदिक वाइब्स। वैदिक वाइब्स भी एक तरह का रिजॉर्ट है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती है यहाँ पे, नदी बहती है और लोकेशन वाइज भी बहुत खूबसूरत है, लेकिन जो रास्ता था बहुत ख़तरनाक और बहुत ही पथराव वाला। आप खुद ही देख रहे हो कितना जो है वो रास्ता टूटा फूटा है, 2 किलोमीटर टाइप रास्ता थोड़ा सा जो ख़राब था, उसके बाद रास्ता बिल्कुल साफ़ था। तो ये भी एक तरह का रिजॉर्ट है, हमने सोचा कि चलो यहाँ पर कुछ ना सही एटलीस्ट लंच तो कर ही लेंगे। तो हम जैसे जैसे पहुँचे तब देख रहे हो कितना खूबसूरत है यहाँ पर पानी, ठंडा पानी है यहाँ की नदी का, मैं आपको बता नहीं सकती। तो ये जो है ये आपके पूरे पूरे जो है यहाँ पे जो है एरो दिखाए जा रहे हैं, और यहाँ पे बीच में छोटा सा बहुत ही प्यारा सा ब्रिज है जो हमें वहाँ तक पहुँचाता है। और जो ये पानी है ये बहुत साफ़ पानी यहाँ पे आ रहा था, और बानी को था कि इस पानी को टच करके देखें कितना ठंडा है। और यहाँ मैंने कुछ जो है वो रेस्ट की, बहुत थक चुकी थी चल चल के, और कुछ खाया भी नहीं था हमने सुबह का। तो हम जैसे तैसे वहाँ पहुँचे, फाइनली पहुँचे। तो यहाँ पे पहले हमने नोटिस पढ़ा नाइट स्टेज डे विजिटर्स में का, ओके नो प्रॉब्लम। तो जब यहाँ पढ़ा वैदिक वाइब्स नो एंट्री विदाउट परमिशन, पर हम तो परमिशन लेके आए हैं अपने दिल की, हमें किसकी परमिशन की ज़रूरत है। तो जैसे ही हम अंदर गए तो गैस वाट, ये भी बुक था, रेस्टोरेंट भी बुक था। मतलब मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती है कि रेस्टोरेंट बुक रखने वाला कौन सी बात, रेस्टोरेंट में कोई भी आ सकता है जिसको भूख लगी है। तो इतनी दूर से हम चल के पहले H2O हुए, फिर वैदिक, कहीं पे जो था वो खाना खाने का जो कहीं पे भी नहीं था जरिया बोलें तो। तो जहाँ मेरे पतिदेव ने काफ़ी बहस बहस करने के बाद भी कहा, फिर मैंने उनको कहा कि चल यार निकल यहाँ से। तो थोड़ी देर हमने कहा कि चलो घर चलते हैं फिर और क्या। तो हमने थोड़ा यहाँ बैठे, रिलैक्स हुए, ठंडा पानी था बहुत ज़्यादा, हमने थोड़ा इन्जॉय किया यहाँ पे। और जैसे कि आप देख रहे हो अभी आपको, जैसे ये जा रहे हैं नीचे, थोड़ा सा रास्ता है ख़तरनाक सा, बच्चों के लिए थोड़ा सा ध्यान से लेकर जाना पड़ेगा। तो बच्चे को तो कुछ नहीं हुआ, खैर मेरे पाँव में लग चुकी थी। तो जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ से हम शॉर्टकट लेके अंदर जा रहे थे, क्योंकि बानी ने ज़िद पकड़ ली थी कि मेरे को नीचे जाना है जाना है। तो जैसे तैसे गई मैं, और मेरे को पहले तो लग गई, फिर हम पहुंच गए अपनी डेस्टिनेशन पे। फिर ये देखो बड़ी ज़ोर से लगी थी यार, मतलब एक तो ऐसी लगती है ना कि बंदा चीख भी नहीं मार सकता और रोके किसी को दिखा भी नहीं सकता, क्योंकि मैं किसको रोके दिखाऊंगी, मैं माँ हूँ, मैं रोके नहीं दिखा सकती, मुझे होना अलाउड नहीं है। तो जैसे तैसे हम पहुँचे वहाँ पर, और ये देखिए जो वैदिक वाइब्स था वो हमारे घर से जो था वो 7 किलोमीटर पास ही था, इतना दूर नहीं है, क्योंकि H2O हमको ज़्यादा दूर पड़ा एज़ कम्पेयर टू वैदिक वाइब्स, पर वहाँ भी हमारा काम नहीं बना। बेटर लगना